डी बाई डी एक्स ऑफ ए इन टू बी, ये फॉर्मूला कोई जरूर नहीं कि आप हमेशा लिखेंगे, आपको समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं। यू को बाहर करेंगे तो किसका डीसी, भी का डीसी, आप प्लस भी को बाहर करेंगे तो किसका डीसी, यू का डीसी, है ना। यू की जगह पे एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ भी, भी की जगह पे ई के पावर एक्स, प्लस भी इन टू यानी ई के पावर एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यानी एक्स, क्लियर है। जो d बाई डी एक्स के दाहिने तरफ में है उसी का dc निकलेगा, बाकी सब जैसे का तैसे रह जाएगा। ये x इंटू e के पावर x का dc हो जाएगा, ये e के पावर x प्लस e के पावर x इंटू x का dc x के रेस्पेक्ट में वन, ठीक है ना। ये दोनों चेंज होगा, बाकी सब जैसे का तैसे रहेगा। अब दोनों में देखिए e के पावर x का टर्म, उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा, ये x प्लस वन हो जाएगा, e के पावर x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, देखते हैं कि सबसे पहला कमेंट किसका आता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स हो, यदि कहीं एक्स इंटू लॉग एक्स हो तो इसका डीसी क्या होगा। तेईस बाबू आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजिए, तेईस से भेजिए तो, और इसका 23 से एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े, और अगला जो रूल्स है 6 नंबर उसको भी बतलाना है। तो चलिए तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं इसका जवाब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। x इंटू log x का जो dc होता है वो 1 प्लस log x ही होता है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्योंकि x को बाहर कीजिएगा तो log x का dc, फिर log x को बाहर करेंगे तो x का dc, ठीक है। तो यहाँ पे log x का dc क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा, तो यानी x इंटू 1 बाई एक्स कट के 1, और उधर log x बचे, यानी 1 प्लस log x ही आएगा, बिल्कुल सही आप लोग का कमेंट आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 प्लस log x।